हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो है सोडा शॉप मशीन, मोबाइल सोडा मशीन और नॉन इलेक्ट्रिक सोडा मशीन। दोस्तों, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा चलने वाला कोई बिजनेस है दोस्तों, तो ये सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस है दोस्तों, जो 12 महीनों में 9 से 10 महीना बिजनेस बहुत ही अच्छा चलता है और बचे हुए 2 महीने में बिजनेस कम चलता है, लेकिन चलता जरूर है दोस्तों। पूरा 12 का 12 मंथ ये बिजनेस चलता है, लेकिन 9 से 10 महीना हाई इनकम बिजनेस होती है, 2 महीना कम चलता है दोस्तों। तो ये मशीन के अंदर हम आपको आज डिटेल देंगे सब मशीनों की, जिसके अंदर नॉन इलेक्ट्रिक मशीन भी है, न्यू 2021 का एडवांस टेक्नोलॉजी का सोडा शॉप मशीन है, जिसकी हम पूरी खासियत बताएंगे कि क्या क्या मशीन में खासियत है, क्या क्या फैसिलिटी है, और मोबाइल सोडा मशीन भी है जो गाड़ियों में मूवमेंट के अंदर आपको लगानी है, टाटा है, छोटा आती होमिनी, कहीं पे मूवमेंट के लिए ले जाना है, तो उस टाइप की मशीन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बिजनेस करके आप रोजाना पर डे 10 से 20 हज़ार रुपये तक का प्रॉफिट कर सकते हो, एज ए योर पर मार्केट स्किल, आपकी मार्केट स्किल के ऊपर ये बिजनेस आप कर सकते हो दोस्तों। रोजाना 10 से 20 हज़ार रुपए तक मैक्सिमम आप एवरीडे कमा सकते हो, रोजाना दोस्तों, ठीक है। इतना हाई प्रॉफिट और मैक्सिमम प्रॉफिट वाला है बिजनेस है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका रॉ मटेरियल और फ्लेवर्स रहता है, जो उसका फ्लेवर्स आप बनाएंगे, ऑरेंज, जीरा मसाला, फ्रूट बियर, लेमन, लीची, मोर देन 40 अलग अलग वेराइटीज और अलग अलग फ्लेवर्स रहते हैं इसके अंदर दोस्तों। तो मैं इसका आपको प्रॉफिट रेशियो बताऊं कि कैसे इतना सारा प्रॉफिट मिलता है बिजनेस करके। सबसे पहले इसका फ्लेवर्स रहता है, आप देख सकते हो इस टाइप के पैकेट में फ्लेवर्स रहता है। ये झाफे कंपनी का, जो रशना कंपनी इंटरनेशनल ब्रांड है, उसका फ्लेवर है सॉफ्ट ड्रिंक का। एक लाइम लेमन का जो फ्लेवर आता है, लेमका करके कोका कोला कंपनी का जो लिमका मिलता है बाजार में, उस टाइप का फ्लेवर है लाइम लेमन करके, ठीक है। इसका फ्लेवर से ये 70 रुपये का एक पैकेट है, 70 रुपीज का। इसके अंदर 5 किलो चीनी मिलानी है आपको, 5 किलो चीनी, 5 लीटर वाटर और ये पैकेट डाल देना है आपको। इसके अंदर से आपको 250 ग्लास 200 ml के निकलते हैं दोस्तों, 200 ml के 250 ग्लास का प्रोडक्शन कर सकते हो। ये मटेरियल बनाने का खर्चा आपको 5 किलो चीनी में 150 रुपये का चीनी रहता है, 30 रुपीज किलो के हिसाब से 5 किलो चीनी पकड़ेंगे दोस्तों, 150 रुपये का चीनी होता है और 70 का पैकेट हो गया, 220 रुपये का पैकेट हो गया, टोटल रॉ मटेरियल हो गया आपका 220 रुपीज का। इसके अंदर से 250 ग्लास बनेंगे आपको दोस्तों। एक ग्लास का कॉस्टिंग अप्रोक्सली 80 से 85 पैसे का आता है, प्लस डिस्पोजल ग्लास हिसाब, डिस्पोजल ग्लास अगर आप लेते हो 200 ml 250 ml का, तो 40 से 50 पैसे में ग्लास मिलता है। एक ग्लास आपको 200 ml का 40 पैसे में आराम से बाजार में मिल जाएगा दोस्तों, 85 पैसा प्लस 40 पैसा इसको पकड़िए, इसलिए आपको हो गया 1 रुपीज 35 पैसा। 15 पैसे का अदर मेंटेनेंस, अदर खर्चा गिन लो, 1 रुपया 50 पैसे में 200 ml लैंडिंग आता है आपको। एक ग्लास 10 रुपये में बाजार में बिकता है दोस्तों। 250 ml का अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो एक ग्लास बनाने का खर्चा 1 रुपये 70 पैसा 1 रुपये 80 पैसे में, वो भी आपका 10 रुपये में बाजार में बिकेगा। अगर 250 ml का आप सेल करेंगे तो 10 रुपये में बिकता है। एक ग्लास पे नेकेड आपको 8 रुपये का प्रॉफिट मिलता है, 8 रुपीज प्रॉफिट इन ईच ग्लास, एक ग्लास के अंदर 8 रुपये का नेकेड प्रॉफिट है। प्लस मशीन की कैपेसिटी रहती है, अलग अलग मॉडल्स की अलग अलग कैपेसिटी रहती है, जैसे 6+2 की मशीन है, 6 सोडा वाले फ्लेवर है, 2 जूस वाले फ्लेवर है, टोटल 8 फ्लेवर की मशीन है। ये मशीन की कैपेसिटी रोजाना 2000 ग्लास का प्रोडक्शन कर सकती है आराम से, गर्मियों के मौसम में, ठंडियों के मौसम में 2200-2500 ग्लास भी निकाल सकती है, ठंडियों की या बारिश के मौसम में। गर्मियों के मौसम में भी 2000 ग्लास का प्रोडक्शन निकालेगी ये मशीन, और 2000 ग्लास निकालने के बावजूद भी ये मशीन पावर सेवर है, मैक्सिमम पावर 5 से लेकर 7 यूनिट तक पावर खाएगी दोस्तों, उससे ज्यादा नहीं खाएगी अगर आप 2000 ग्लास निकालते हो तो। अगर आप ग्लास कम निकालते हो, जैसे आपने 500 ग्लास ही बेचा है, आपने आज 1000 ग्लास ही बेचा है तो 2 यूनिट ही खाएगी, 500 ग्लास बेचा है तो 2 यूनिट ही खाएगी, 1000 ग्लास बेचा है तो 3-3.5 यूनिट ही खाएगी, अगर 2000 ग्लास पूरा बेच दिया तो 7 यूनिट पूरी खाएगी। तो एज ए ऑटोमेटिक बिजनेस, जैसा आपका बिजनेस है वैसा पावर खाएगी मशीन। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक की मशीन बताता हूँ, मशीन में क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या खासियत है, हमारी कंपनी डॉल्फिन अप्लायंस क्या अपग्रेडेशन करती है, क्या क्वालिटी देती है, मार्केट में क्या नहीं होता है, मार्केट की दूसरी कंपनियों की मशीनें में जो हमारी मशीनों में है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों, ये हमारी सिंगल फ्लेवर की नॉन इलेक्ट्रिक मशीन है, विदाउट पावर, विदाउट बिजली पे चलने वाली नॉन इलेक्ट्रिक मशीन बोलते हैं दोस्तों इसको। इसकी पर डे कैपेसिटी 600 से 700 ग्लास की है दोस्तों। इसके अंदर ना आपको बैटरी लगानी है, ना पावर देना है, ना जनरेटर देना है, ना इन्वर्टर देना है, कुछ भी नहीं देना है आपको। यहाँ से प्लेन सोडा निकलेगा और ग्लास के अंदर आप उसको कस्टमर को
कोई भी जीरा ऑरेंज का फ्लेवर चाहिए तो ऑरेंज थोड़ा भर दिया, प्लस यहाँ पे उसको सोडा भर दिया, ऐसे करके आपने ऐसे सोडा भर के आप दे सकते हो। ऐसे कोई भी फ्लेवर आपको भरना है ऊपर आप अलग से बाउल भर रख सकते हो इसमें अंदर अलग अलग से, जैसे कि एक बाउल जीरा मसाला का हो गया, एक ऑरेंज का हो गया, एक हो गया आपका लाइम लेमन का, एक स्ट्रॉबेरी का, एक फ्रूट बियर का हो गया, सब अलग अलग फ्लेवर के 5-6 अलग अलग बाउल भर सकते हो। जिसको जो जो फ्लेवर चाहिए पहले फ्लेवर डाल के प्लेन सोडा मिक्स कर देना, इसलिए वो फ्लेवर का ग्लास बन के निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये नॉन इलेक्ट्रिक मशीन है, इतनी सी स्मॉल साइज में कोई भी जगह पे, कोई भी लारी है, कोई भी ई रिक्शा है, कोई भी बाइक है, कहीं पे भी आप ले जाके अपना एक खुद का बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। इसके अंदर पूरी स्टेनलेस स्टील से बनाई गई मशीन है दोस्तों, और सोडा का क्वालिटी एकदम स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सोडा निकलता है इसके अंदर से। उसके बाद हमारी 2021 की सबसे लेटेस्ट फंक्शन है जो शॉप में लगने वाली मशीन है दोस्तों, ये 6+2 की मशीन है। इसके अंदर हमारे पास अलग अलग दूसरे भी मॉडल्स है, जैसे 8+2, 10+2, 12 फ्लेवर, 15 फ्लेवर, 20 फ्लेवर, 25 फ्लेवर, 30 फ्लेवर, 40 फ्लेवर, एज योर रिक्वायरमेंट, आपका क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मशीन को क्रिएट करेंगे, उतनी बड़ी बनाएंगे। जैसे सबसे ज़्यादा आज की तारीख में मार्केट में चलती है 6+2 चलती है, 8+2 चलती है, कॉमन नॉर्मल फ्लेवर ज़्यादा चलते हैं मार्केट में। इसके अंदर आप अलग अलग कोई भी 8 फ्लेवर रख सकते हो, जैसे कि 6 सोडा वाला फ्लेवर हो गया और 2 जूस वाला हो गया। सोडा वाले में हम इसके अंदर कोला है, ऑरेंज है, फ्रूट बियर है, जीरा मसाला है, स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है, पाइनएप्पल है, ऐसा सोडा वाले में रख सकते हैं। जूस वाले में आप रख सकते हैं नींबू पानी है, फिर रख सकते हैं मैंगो माजा फ्रूटी टाइप का फ्लेवर है, फिर लीची का फ्लेवर है, फिर नारियल पानी का फ्लेवर है, फिर ठंडा चिल्ड वाटर रख सकते हैं, बटर मिल्क रखना है तो ठंडा चिल बटर मिल्क रख सकते हैं दोस्तों। तो अलग अलग जात का आइटम्स आप इसमें नॉन इलेक्ट्रिक फ्लेवर में से रख सकते हो दोस्तों। यह मशीन की क्या खासियत है दोस्तों, यह मशीन में वन सेटअप मशीन है। जो मार्केट में मशीनें मिलती है उसमें पानी का टंकी अलग लगाओ, CO2 बोतल अलग लगाओ, फ्लेवर का टैंक अलग लगाओ, सब सामान अलग लगाओ, और कंप्रेसर बड़ा रहता है जो 20 यूनिट, 25 यूनिट, 30 यूनिट तक पावर खाता है, जिससे कस्टमर को पूछाता नहीं है, बिजनेस नहीं करते तो भी 25-30 यूनिट पावर खाता है, तो वो सब दिक्कत आती है ओल्ड मॉडल्स मशीनों में। जो हमारी मशीन ये न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन में ऐसी कोई भी इश्यू या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि ये मशीन अगर आप मैक्सिमम यूज़ करते हो फिर भी 7 यूनिट ही पावर खाता है, 7 यूनिट ही पावर खाता है मैक्सिमम यूज़ पे। अगर कम यूज़ करते हो आप, 500 ग्लास निकाली तो 2 यूनिट खाएंगे, 1000 ग्लास निकाली तो 3.5 यूनिट खाएंगे, तो वैसे आप जितना बिजनेस करेंगे उतना पावर खाएगी मशीन। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमने लाइटिंग वाला लोगो रख दिया है, जिसका स्विच यहाँ पे हमने बंद चालू का रखा है, ये स्विच है इसका, ये डॉल्फिन अप्लायंस का लोगो है, यहाँ पे सोडा शॉप लिखा हुआ है, लाइटिंग सिस्टम होगा। प्लस यहाँ पे हमने डिजिटल काउंटिंग सिस्टम लगाया हुआ है, जिसके अंदर काउंट होता है कि कौन सा फ्लेवर कितना ml का कितना मशीन में से निकला हुआ है। यहाँ पे आप इसके टोटल्स में जाएंगे तो आपको बताएंगे 200 ml के 17 निकले, 250 ml के 32 निकले, 300 ml के 7 निकले, और कौन सा फ्लेवर कितना निकला है वो भी बताएंगे आपको इसके अंदर। ए वाला, ए में से फुदीना है तो ए में से 30 निकला है, बी में से 7, सी में से 3, डी में से 4, ई में से 6, एफ में से 4, जी में से 1, एच में से 1। तो ऐसे काउंटेबल भी, ऐसा नहीं कि सब फ्लेवर एक ही चीज़ में काउंट हो रहा है, आप उसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। जैसे कि स्ट्रॉबेरी कितना निकला है तो 6, एफ वाला 6 स्ट्रॉबेरी का, तो एफ वाले में आप जाएंगे 6 नंबर है स्ट्रॉबेरी तो 6 निकाला है स्ट्रॉबेरी। तो ये वाला पुदीना का कितना निकाला है तो पुदीना का 30 निकाला है। तो आपको अगर अपना ये बिजनेस रख के किसी आदमी को बिठाना है तो आप एक के लिए बहुत ही उपयोगी है काउंटिंग सिस्टम, क्योंकि आप इससे अपना कितना लेवल शाम तक बिजनेस हुआ है कि आपकी मशीन में से कितना ग्लास सोडा निकला हुआ है, इसकी आपको इजीली जानकारी मशीन देगी आपको। अगर इसके अंदर आप सिम कार्ड लगा देंगे तो आप जैसे ही मशीन की स्विच बंद करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर SMS आ जाएगा कि आज के पूरे दिन में 2000 ग्लास सोडा बिका है और 2000 ग्लास कैसे बिका है तो भी काउंट करके बता दीजिए, भाई ऑरेंज इतना बिका है, जीरा मसाला इतना बिका है, कितना ml का तो भी दिखाएगी, 200 ml का इतना, 250 ml का इतना, 300 ml का इतना, पूरा डिवाइडेशन करके आपको हिसाब करके काउंटेबल देगी दोस्तों। ठीक है, अभी मशीन के अंदर हमने प्लेन सोडा है और ऑरेंज का फ्लेवर भी डाला हुआ है तो हम निकाल के बताएंगे आपको। ऐसे बटन दबाने से आप इसमें से प्लेन सोडा निकाल सकते हो, ये सादा सोडा है, प्लेन सोडा बोलते हैं, सब में से प्लेन सोडा है, ये आप देख सकते हैं हमने काउंट जितना सेट किया उतना ही गिरेगा, ये ऑटो कट हो चुका है, काउंट होके बंद गिर गया है मशीन। ठीक है, और ये काउंटिंग सिस्टम भी दोस्तों लेंसर कंपनी की काउंटिंग सिस्टम इसमें लगाई है, लेंसर कंपनी की काउंटिंग सिस्टम है, कोई लोकल या चालू कंपनी की काउंटिंग सिस्टम भी नहीं है इसके अंदर। प्लस यहाँ पे हमने एक ऑरेंज का फ्लेवर लगाया, आप देख सकते हैं ऑरेंज दबाएंगे इसमें से, ये ऑरेंज का ग्लास पूरा फिल हो चुका है
वही हिसाब से हम दूसरा भी आपको एक गिलास निकाल के बताएंगे। और आपको एक शॉट में निकालो या 10 शॉट में निकालो, आप ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही शॉट में आपको निकालना है तभी काउंटिंग होगा, ऐसा नहीं है। आप इसको एक शॉट में निकालेंगे या 10 शॉट में निकालेंगे, मैं आपको अभी करके बताता हूं दोस्तों। एक बार, दो बार, तीन बार, अभी बीप बजेगा इसलिए काउंट हो गया समझ लेने का। तीन, चार, चौथी बार में बीप बजा इसलिए काउंट हो चुका है और ऑटोमेटिक गिरना भी बंद हो गया, उसके हिसाब से गिरना बंद हो जाएगा इसके अंदर। इस टाइप का फ्लेवर टैंक आएगा, आप देख सकते हो पूरा स्टेनलेस स्टील का फ्लेवर टैंक से, प्लस इसके ऊपर हमने स्टिकर लगा दिया है। और ये वाला टैंक भी आपको मशीन के अंदर अंदर ही लग जाएगा, आपको अलग से बाहर लगाने का जरूरत नहीं है, पूरी वन सेटअप मशीन आएगी पूरी। उसके बाद ये हमारा मोबाइल सोडा मशीन है जो गाड़ियों में लगता है, टाटा है, छोटा आदि या कोई भी मूवमेंट जगह पे आप ले जा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर स्टोर टैंक रहता है दोस्तों, इसके अंदर एक ही सिंगल टैंक रहता है। सोप वाली मशीन के अंदर डबल टैंक लगता है, एक तो ठंडा करने के लिए चिलिंग के लिए और दूसरा पानी पीने के लिए सेपरेट टैंक रहता है दोस्तों, एक ही टैंक में से दोनों पानी पीने में काम नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है, इसलिए इसके अंदर दो टैंक रहता है। और मोबाइल सोडा मशीन जो रहता है उसके अंदर एक ही टैंक रहता है, 200 लीटर्स का बड़ा टैंक रहता है, जो पानी ठंडा होता है वही पीने के लिए सोडा के बन के काम आता है इसके अंदर दोस्तों, इसलिए इसको मोबाइल सोडा मशीन बोलते हैं। इसको मूवमेंट के लिए आप कहीं पर भी इसको ले जाके मूवमेंट के लिए ले जाके उसको बिजनेस कर सकते हैं मार्केट में। इसमें हमने यहाँ पे ड्रॉवर लगा दिया, आप देख सकते हैं इसको, इसके अंदर आप पैसा है, नींबू है या थैली है प्लास्टिक का, या कभी यदि कोई भी सामान है, छड़ी है, चक्कू है काटने के लिए, वो भी रख सकते हो। ये मशीन दोस्तों वन सेटअप मशीन है, इसकी कंप्रेसर सिस्टम मशीन के पीछे लगाई गई है और इसका लाइट वाला लोगो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा लाइट वाला लोगो डेकोरेट हो जाएगा एज योर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपका जैसा कलर का स्टिकर है, जो भी नाम है इसके हिसाब से पूरा मॉडिफाई कर देंगे, आपका जो भी गाड़ी है उसका भी स्टिकर हम बना के कंपनी में से भेज देंगे आपको। ये मशीन का साइड लुक है, आप देख सकते हो पूरा। ये मशीन हमने स्टैंड पे रखी है, यहाँ तक ही आती है, यहाँ से मशीन आपको सीधी गाड़ी में बैठ जाएगी और हमने यहाँ मूवमेंट के लिए इस पे टेबल रखा हुआ है, ठीक है। ये इसका कूलिंग सिस्टम यहाँ पे लगता है पूरा, ये इसका सर्किट बोर्ड है, कितना चिल्डनेस है, कितना टेम्परेचर है बताता है, यहाँ पे कूलिंग सिस्टम लगा है जो ठंडा करता है। एक बार पानी ठंडा करने के बाद इसको 50 घंटे तक पानी ठंडा रहता है, 50 घंटे में कहीं पे भी जाके बिजनेस अपना कर सकते हो। 200 लीटर जो आपने पानी ठंडा किया है, चिल्ड किया है, उसको 50 घंटे तक आप मार्केट में जाके बिजनेस कर सकते हो अपना। एक बार फिल करने के बाद आपको 1500 ग्लास का कैपेसिटी रहता है, 1500 ग्लास का बिजनेस कर सकते हो। अगर आप एक ग्लास 10 रुपये का बेचते हो तो वन शॉट के अंदर आप 15000 रुपये का बिजनेस करके वापस आ सकते हो। आप कहीं मेले में गए हो या कहीं पे सर्कल पे गए हो या कोई शादी फंक्शन का ऑर्डर लिया है आपने, तो वहाँ पे भी जाके आप 1500 ग्लास तक का मैक्सिमम बिजनेस कर सकते हो इसके अंदर। अभी मैं आपको दोस्तों ये मशीन की भी साइड लुक थोड़ी बता दूँ। आप देख सकते हो इसकी साइड लुक, यहाँ पे पूरा हमने कवरिंग कर दिया है, पूरी स्टील ने स्टील से पाइपिंग सिस्टम से कवरिंग किया है, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ये पूरी पाइप के ऊपर फैब्रिकेशन की हमने, क्वालिटी में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इसके अंदर, आप देखिए। और टोटली स्टील हमने जिंदाल कंपनी का यूज किया है इसके अंदर। यहाँ पे आप फ्लेवर्स के टैंक रख सकते हो, जो ये वाला टैंक रहता है आप इसके अंदर लगा के बंद करके वन सेटअप मशीन कर सकते हो। प्लस यहाँ पे हमने दो टैंक आपको बताया, एक टैंक यहाँ पे चिलिंग के लिए रहता है, फिर उसका पार्टीशन हो जाता है, दोनों पानी मिक्स ना हो इसलिए दोनों का पार्टीशन हो जाता है। प्लस यहाँ पे दूसरा टैंक है, 60 से 70 लीटर का टैंक है, प्लस 20 लीटर का आप ऐसा आरओ का बाउल उल्टा करके इसको पानी भर सकते हो इसके अंदर। जैसे बाउल खत्म होता है आपको दूसरा बाउल लगा देना है, तीसरा बाउल लगा देना है, ऐसे बाउल घुमाते रहना है आपको इसके अंदर। प्लस इसके अंदर दोस्तों टेम्परेचर कंट्रोलर भी है, आपके मौसम के हिसाब से आप मशीन में से जितना चिल्डनेस निकालना है उतना निकाल सकते हो। जैसे गर्मियों का मौसम है तो ज़्यादा ठंडा चाहिए, ठंडियों का मौसम है तो कम ठंडा चाहिए, तो वो हिसाब से आप इसको अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो। प्लस इसके अंदर फ्लेवर सेटिंग रेशियो भी है, कोई कस्टमर स्वीटनेस ज़्यादा मांगता है, कोई कस्टमर स्वीटनेस कम मांगता है, तो उसको भी आप ऑटोमेटिक मॉडिफाई सेट करके सोडा का क्वालिटी सोडा दे सकते।
और दोस्तों मशीन अब शॉप मॉडल मशीन लेते हो दोस्तों तो मशीन के साथ आपको कंप्लीट मशीन उसका स्टैंड पूरी मशीन की स्टिकरिंग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके कलर के मुताबिक पूरी मशीन की वुडन बॉक्स पैकिंग मशीन के साथ आपको 10,000 ग्लास का फ्लेवर CO2 गैस का सिलेंडर स्पेयर पार्ट किट ट्रांसपोर्टेशन ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्टिंग फ्री ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन फ्री है आपको मशीन के साथ में और मशीन को इंस्टॉल और ट्रेनिंग के लिए हमारी टीम आपके वहाँ आएगी ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी है आप हमारी टीम आपके वहाँ के गांव पे आएगी मशीन को फिटिंग करेगी चालू करके छोड़ा निकाल के आपको कंप्लीट करके देंगे दोस्तों ठीक है दोस्तों और ये वाली मोबाइल छोड़ा मशीन लेते हो तो कंप्लीट मशीन इसकी पूरी स्टिकरिंग गाड़ी के ऊपर की भी पूरी स्टिकरिंग पूरी मशीन की पैकिंग CO2 गैस बोतल 10,000 बोतल का फ्लेवर 10,000 ग्लास का फ्लेवर एक CO2 गैस का बोतल उसका स्पेयर पार्ट का किट मशीन को इंस्टॉल ट्रेनिंग के लिए हमारी टीम आएगी आप जो भी गाड़ी में बोलेंगे उसमें फिट करके चालू करके सोड़ा निकल के जाएगी दोस्तों तो दोस्तों इस टाइप की बेहतरीन क्वालिटी की मशीन लेने के लिए एक बार डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी में जरूर कॉन्टैक्ट करिए दोस्तों और वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।